अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां धर्म नगरी डोंगरगढ़ के थाना प्रभारी नासिर बाटी के ऊपर युवक ने लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप। वीडियो वायरल करके पीड़ित ने मुख्यमंत्री व गृह मंत्री से न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित युवक के परिवार ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की दी धमकी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना प्रभारी नासिर बाटी फिर एक बार विवादों में घिर गए हैं। पूर्व में एक युवक ने आत्महत्या की थी। उसने सुसाइड नोट में इसी थाना प्रभारी का नाम लिखकर आत्मदाह कर लिया था। उसमें भी कोई जांच नहीं हुई और फिर एक बार ग्रामीण युवक पुखराज साहू ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करके अपनी आपबीती शेयर की। युवक पुखराज ने जारी वीडियो में थाना प्रभारी नासिर बाटी पर अवैध शराब, गांजा, कट्टी पार सहित लोगों को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं गृह मंत्री को लिखित शिकायत भी की है। वहीं पीड़ित युवक के माता भानुमती साहू ने भी राज्य सरकार को पत्र फैक्स कर घटना की शिकायत की है। भानुमती साहू ने चैनल को रो रो कर बताया कि किस तरह से थाना प्रभारी नासिर बाटी के द्वारा बार बार मेरे बेटे व परिवार को परेशान कर रहा है। पुलिस वाले आए दिन हमारे घर पहुंचकर गाली गलौज करते हैं। मेरा एक ही बेटा है जिसकी जान को थाना प्रभारी से खतरा भी है। हमारा परिवार भी दहशत में है क्योंकि इसी थाना प्रभारी से तंग आकर पूरम में एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी और मेरे बेटे को भी मजबूर कर रहे थे। इस घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई। पुखराज साहू के अलावा 12 युवकों को भी झूठे केस में फंसाया है। उन लोगों को उस समय फंसाया गया जब वे लोग कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे थे। पुखराज ने अपने वायरल वीडियो में बताया कि मुझ पर झूठा केस बनाकर मुझे जेल भेज दिया गया, इस वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। नमस्कार, मेरा नाम पुखराज साहू है। मैं ग्राम अछोड़ी डोगर का रहने वाला हूँ। मेरे को डोंगरगढ़ थाना वाले लोग बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। आज से एक वर्ष पूर्व डोंगरगढ़ थाने वालों ने मेरे खिलाफ 34-2 फर्जी केस लगाकर जेल भेज दिया गया था। उसके 2 महीना बाद डोंगरगढ़ का TI नासिर बाठी, जो मेरे पूर्व में कोई भी अपराध ना होने के बावजूद 110 का धारा लगा दिया। 110 धारा लगने के बाद मैं इसका शिकायत DG साहब, मुख्यमंत्री साहब, गृह मंत्री, गृह सचिव में किया था। उसके बावजूद भी उनका कुछ नहीं हुआ। अब लोगों का TI मेरे को कल उठाने के लिए अपना स्टाफ भेजे थे, मैं उनको नहीं मिला। तो कल सुबह से लेकर रात तक मेरे गांव में, मेरे घर के आसपास चौक में रात भर, सुबह से रात भर पुलिस वाले वहां ठहरे रहे। मैं आप लोग से विनती करता हूं कि ये भ्रष्ट पुलिस वाला जो शहरों में, पूरे डोंगरगढ़ शहर में हर कोचिया से 12,000 रुपया महीना लेता है और उसको मेंटेन करने के लिए हम जैसे बेगुनाहों को फर्जी केस लगाकर जेल भेज देता है। मैं मुख्यमंत्री जी के भी शिकायत किया था, DG के पास भी शिकायत किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और हो सके तो मैं अपना केस प्रूफ करने के लिए अपना नार्को टेस्ट भी करवाने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो भ्रष्ट पुलिस वाले जो अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके कुछ भी के झूठा आरोप लगा रहे मेरे ऊपर, है ना, उस पर कार्रवाई हो। धन्यवाद। बताइए कि मतलब आपके साथ क्या हुआ था। मैं मनीष चक्रवर्ती, वार्ड नंबर 24 का निवासी हूँ। रात को 9:30 बजे मान होटल के सामने मैं खड़ा था, तो तिलक सोनी से मेरा आपसी वाद विवाद हुआ था, जो मामला थाने में पहुँच गया था। तो हम लोग आपसी कंप्रोमाइज़ कर लिए थे, ये कंप्रोमाइज़ का कॉपी है। 32 दिन के बाद अचानक मेरे घर में पुलिस आई कि TI साहब ने तुम्हें बुलाया है। मैं बोला जी चलो करके। मैं गया वहाँ तो साहब ने फर्जी केस लगा के मुझे कोर्ट में पेश कर दिया, धारा 327। साहब ऐसे ही फर्जी केस बनाएंगे तो कैसा चलेगा, युवाओं के लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए साहब को, ये गलत है।
डोंगरगढ़ का जो थानेदार है नासिर बाटी के बारे में, आपका जो बेटा है उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने कहा है मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कुछ गलत कदम उठा, ये क्या है पूरा मामला? नहीं, सही बात है सर, एटीआई मेरे बेटे को बहुत परेशान करके रखे हैं, उसके कारण हम पूरे परिवार डिस्टर्ब है, अभी बहुत परेशान हो गए हैं। मेरे लड़का का कहना मगर ऐसे में मैं आत्महत्या कर लूँगा करके बोलता है, लेकिन मैं बहुत रो रो के कल समझाई उसको, बेटा ऐसे नहीं करना, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और कोई नहीं है मेरा सहारा करके, मैं उसको समझाई सर। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि उस समय मतलब झूठा आरोप में मेरे लड़के को मतलब 34(2) के धारा में उसको जेल भेज दिया गया था, जबकि वो लड़का मेरा यहाँ रहता नहीं है, रायपुर में रहता है, और हम मतलब वहाँ बैठे बैठे मेरे लड़के का 110 का धारा फिर लगाया गया है, और अभी त्यौहार बार में जैसे आता है तो आए दिन मेरे घर पुलिस भेजते हैं, और कल 10 तारीख को फिर पुलिस भेजे थे, तो एक लेडीज कांस्टेबल ने मतलब मेरे को 37 को 151 बुक कर दूंगी करके मेरे को बोल रही थी सर, यदि कल के दिन में उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू है, कुछ कर लेगा तो उसका जवाबदारी कौन लेगा सर, ये बताइए। ऐसे कैसे एक अभी मोहारा के बिजनापुर में हुआ है और एटीआई के नाम लेके वो भी आत्महत्या कर लिया, तो उसके परिवार का जवाबदारी लेगा क्या सर, कौन लेगा? शासन शिकायत क्यों थी? मामले की शिकायत क्यों? मैं मामले का शिकायत अभी आज करवाई हूँ सर वहाँ जाके, ये सब मुख्यमंत्री गृह मंत्री और मानव अधिकार आयोग को रायपुर जिला, रायपुर पुलिस महानिरीक्षण और पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव SDM OP डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में मैं आज मतलब अपना दर्ज केस करवाई हूँ, और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए सर, क्योंकि मेरा सर एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में डोंगरगढ़ थाना प्रभारी नासिर बाटी जी के नाम से, जिसमें एक व्यक्ति ने शिकायत की है, इस संबंध में बताइए। मुझे मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी हुई है, वीडियो को मैंने मंगाया हुआ है, वीडियो जैसे ही मुझे प्राप्त होगा हम उस पर जाँच कराएंगे और उसके अंदर नियमानुसार उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो पूर्व में भी देखा गया कि कई मुद्दे आए हैं डोंगरगढ़ थाना प्रभारी के नाम से? जो भी शिकायत मुझे प्राप्त हुआ है उनकी जांच की गई है, जिन पर अभी तक तो मुझे इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त भी नहीं हुई है, तो मैं इस विषय पर नहीं बोल पाऊँगा। हाँ सर, ये जो वीडियो आ रहा हुआ है और कुछ लोगों का कहना है कि आप जबरदस्ती केस बनाते हैं, इस बारे में बताएं। जो अपराध करेगा उसके लिए केस बनाना ही पड़ेगा, और जिसको वीडियो वायरल हुआ है वो खुद ही दारू का तस्कर है और उसको हम लोग बहुत दिनों से तलाश रहे हैं, वो गायब हो जाता है और फिर महीने डेढ़ महीने बाद फिर आता है, लगातार दारू की तस्करी की शिकायत। उसकी माता जी का भी वही आरोप है, परिवार के लोग कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।